successfully at that time, and I just felt in the story that was being told, the guy who was hosting was very mean in the story that was being told, and I'm like, you know, I'm here. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है रामचरण के टॉक्सिक फैंस को लेकर के। तो दोस्तों, आखिरकार उन्होंने क्या कहा है, पूरी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आसानी से मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग इवेंट का समापन हो चुका है और सभी स्टार्स अपने अपने घर जा चुके हैं। इसी बीच दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले सलमान खान और शाहरुख खान जामनगर पर स्पॉट किए गए। क्यों? क्योंकि वो भी अपने अपने घर जा रहे थे अंबानी के प्री वेडिंग इवेंट के समापन होने के बाद। तो दोस्तों, शाहरुख खान से वहीं कुछ रिपोर्टर्स काफी सारे सवाल करते हैं, जिसमें से एक रिपोर्टर उनसे कहता है कि सर, आज सुबह से ही आपके ट्रोलर्स आपको ट्रोल कर रहे हैं कि आपने रामचरण की डिसरिस्पेक्ट की है, उनको इडली डोसा कह करके। तब दोस्तों, शाहरुख खान हंसते हुए जवाब देते हैं कि भाई देख, रामचरण मेरा छोटा भाई है, उसे मैं आज से नहीं बहुत सालों से जानता आ रहा हूँ और उसे मैं हमेशा नए नए नामों से बुलाता हूँ। और रही बात डिसरिस्पेक्ट करने की, तो मैं कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। आप लोग चाहो तो वीडियो क्लिप वाली देख लो, जिसमें मैंने रामचरण को सजदा किया है, मतलब कि झुक करके उसको स्टेज पे बुलाया है। तो ये सब फालतू की बातें हैं, ये ट्रोलर्स हैं, हर जगह रहते हैं। कभी मेरे फैंस सलमान खान को ट्रोल करते हैं, तो कभी सलमान खान के फैंस मुझे ट्रोल करते हैं, और आज रामचरण के फैंस ने मुझे ट्रोल कर दिया। तो ये सब चलता रहता है यार। तो दोस्तों, शाहरुख खान ने इतना कहकर अपनी बात खत्म कर दी थी। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का क्या है कहना शाहरुख खान के इस स्टेटमेंट पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतने में, लिख ली वीडियो में, धन्यवाद।